आप आज की ब्रेकिंग खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर नहीं किया है तो इसके बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबा लें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। आज HMTV आपको लिए चलता है कुल्लू के हसीन वादियों में, और कुल्लू की हसीन वादियों से हम आज आपके सामने एक नायाब हीरा चुनकर लाए हैं, दीपलाल भारद्वाज। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये क्या हैं, इन्होंने क्या किया है और इनके भविष्य में क्या करने की चाह है, हम इनसे खुद ही पूछेंगे कि क्या करना चाहते हैं। हम HMTV के टीवी लाइव पर हम आपका स्वागत करते हैं दीपलाल जी का, और गीत संगीत हो या और इसी गीत संगीत की दुनिया में या और कलाकारी जो भी है, इनमें बहुत कूट कूट कर भरी हुई, खुद अच्छे कलाकार रहे हैं और कई कलाकारों को ये आगे ला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी कला और संस्कृति को जो है आगे से आगे लेके जाना, ये हर एक के बस का नहीं होता है। तो इन्होंने बहुत काम किया है, कई नवोदित लेखकों कलाकारों को इन्होंने आगे लाया है, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो मिशन है, ये एकता मंच का जो मिशन है, ये क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका भी और HMTV का भी कि आपने हमें इस लायक समझा, और आज जितने भी मतलब कि HMTV से जुड़े हुए लोग हैं उनसे रूबरू करवाने का एक हमें मौका दिया। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल एकता मंच का गठन 2 साल पहले मैंने खुद किया था। अच्छा। इससे पहले मेरा एक जिला स्तरीय संगठन था, युवक मंडल जम्मू कला संघ, तो लगभग 11 सालों से उस पर हम काम कर रहे थे। उसके बाद हमने सोचा कि जो युवक मंडल होता है उसकी जो एक जो दायरा होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होता है, जिला स्तरीय एक जिले के अंदर हम काम कर सकते हैं। तो मेरा एक मकसद था कि मैं पूरे हिमाचल में, पूरे स्टेट में काम करूँ, तो तब मैंने गठन किया हिमाचल एकता मंच का। मैं चाहता था कि हिमाचल में जितने भी मंच है वो सारे एक हो जाए, इसलिए हमने नाम भी रखा था हिमाचल एकता मंच। बिल्कुल। तो आज तक लगभग हम 12 राज्यों में डिस्ट्रिक्ट अवार्ड कर चुके हैं। अच्छा। और उसके बाद 2 हम स्टेट अवार्ड शो कर चुके हैं और 2 नेशनल अवार्ड शो कर चुके हैं, और अभी आने वाले टाइम में, अभी अगर कोरोना जो महामारी है, अगर इसकी जो संख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है उसको देखते हुए अभी जो हमारे एक नेशनल अवार्ड हुआ था उसको हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किया हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद हमारे कुछ एक प्रोग्राम थे जो कि ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें मंच पर इकट्ठे होके नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऑनलाइन उसको सारे कॉम्पिटिशन करवाए। और मैं खुद एक लेखक भी रहा हूँ, साहित्यकार भी हूँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ, करते रहते हैं, और गाने भी लिखता हूँ, गाता भी हूँ, डायरेक्टर भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ और नाटक भी लिखता हूँ। तो काफ़ी शौक है, हर क्षेत्र में जितना आता है उतना हम करते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। और जो मेरी एक सोच थी कि मैं एक ऊँचे लेवल पर काम करूँ, बम्बई जैसी महानगरी में जाके भी काम करूँ, पर किसी अपने पारिवारिक स्थितियों के चलते नहीं कर पाया ये चीज़ें। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग या जो हुनर गांव में छिपा हो, जिसकी ऐसी इच्छा हो, तो वो कर पाए। बिल्कुल। ताकि जो चीज़ मैं खुद न कर पाऊँ किसी औरों को उस लायक बना सकूँ कि वो इस काम को करें। ये बहुत अच्छी सोच है कि देखो, हर आदमी में शौक होता है कि वो कुछ करना चाहता है जिंदगी में, लेकिन परिस्थितियाँ कई बार ऐसा होती है कि वो नहीं कर पाता, तो वो जो अपने शौक है वो अपने बच्चों में, अपने समाज में, समाज के बच्चे हैं उनमें देखता है, वो चाहता कि वो आगे बढ़े, आगे वो काम करें, तो एक अच्छी सोच है। और कोई आवाम के लिए कोई संदेश आप देना चाहें? संदेश तो मेरी तरफ से फिलहाल यही है कि सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जो कोरोना महामारी जो आज पूरे देश में एक विराट रूप जो है धारण कर चुकी है, वैसे इससे डरने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम खुद सुरक्षित रहेंगे तो कोरोना तो ऐसे ही डर के मारे भाग जाएगा। बिल्कुल, कोरोना से डरने का इतना कोई है नहीं जी। आप सैनिटाइजेशन यूज करें, मास्क, बाकी जो है मास्क वगैरह लगाएं, तो सुरक्षित रहें। बाकी आज ये इंटरव्यू का सेशन था, कभी इनका जो गीत है वो भी हम HMTV का जो साहित्य चैनल है उसके माध्यम से अब कभी इनका गीत जो सुनेंगे और आवाम को सुनाएंगे। आज
दीपलाल जी का हम इस HMTV लाइव पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद। एक फोटो।